हैं, साइंटिफिक सेशन शुरू किया जा रहा है। हमारे मेहमान स्पीकर जिनको सुनने के लिए आप सब लोग तशरीफ लाए हैं वो तैयार हैं। सर का टॉपिक है डेंटेटिक सेल इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जमाल अनुनो खान साहब से कि सर प्लीज़ अपने टॉपिक पर साइंटिफिक सेशन की शुरुआत करें। धन्यवाद। हेलो। कैंसर जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम सब डरते हैं और डरने की वजह भी है। कैंसर में इलाज करने के बाद ये पता नहीं होता कि हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे कि नहीं। ठीक हो गए तो कब तक ठीक रहेंगे ये पता नहीं होता। अभी देखिए, एक साइंस ने बहुत डेवलप किया है अपने आप को, ख़ासतौर से मेडिकल सिस्टम्स ने भी बहुत डेवलप किया है। उसके बाद भी हमें ये मानना है कि भगवान है, भगवान के बगैर कुछ नहीं होता। कोरोना वायरस में हमने देखा कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। हम वायरोलॉजिस्ट होते हैं, दवाएं निकालते हैं, लेकिन फिर भी वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मेडिकल सिस्टम्स में काफ़ी डेवलपमेंट भी है और कमियां भी हैं। कुछ कमियां हमारी अपनी बनाई हुई हैं, कुछ कमियां यूं हैं कि अभी हमें भगवान ने उतना नॉलेज नहीं दिया है कि हम वहां तक पहुंच सकें कि जब हम मौत का इलाज ढूंढ सकें। तो हकीकत यही है। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं और ये क्यों करते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। तो पहली स्लाइड में कैंसर के ये फिगर्स हैं जो माइंड ब्लोइंग फिगर्स हैं। डॉक्टर फसाह साहब ने कहा कि कैंसर अभी भी आज भी एक बहुत भयंकर बीमारी है और बहुत बड़ा मौत का कारण है। वो सही बात है। कैंसर को अगर हम डिफाइन करें तो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो पैदा होने लगते हैं शरीर से, वो अपना रूप धारण कर लेते हैं और शरीर में सहन शक्ति उन्हें पहचान नहीं पाती। हमारी जो सहन शक्ति है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ट्रीटमेंट्स में। हमारा सेल्फ ट्रीटमेंट भी होता है। अगर हम दवा ना लें, इन्फेक्शन हुआ तब भी ठीक हो जाते हैं, दवा लें तब भी ठीक हो जाते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम की हीलिंग है वो हमेशा काम करती रहती है। पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक, मौत तक, हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाता है बीमारियों से। ये बाहर की बीमारियों से भी बचाता है और अंदर की शरीर की बीमारियों से भी बचाता है। बाहर की बीमारियों का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शंस हैं, जो बाहर से कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनको नष्ट करता है इम्यून सिस्टम। ऐसे ही कैंसर के सेल्स अगर पनपते हैं तो इम्यून सिस्टम उन्हें नष्ट कर देता है। ये धारणा नहीं है, ये सिद्ध है। ये एक साइंटिफिक ऑलरेडी प्रोसेसेस हैं जो समझाते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हम कैंसर से रहित रहते हैं। और कैंसर जो होता है, जिन लोगों को होता है, जब वो ट्रीटमेंट अपना कैंसर का करते हैं तो कीमोथेरेपी द्वारा भी इम्यून सिस्टम एलिसिट हो जाता है। यानी कीमोथेरेपी से इम्यून सिस्टम को दोबारा एक मौका मिलता है पहचानने का कैंसर के सेल्स को। और वो फिर जब आपने कीमोथेरेपी अपनी बंद कर दी, सर्जरी हो गई और फिर आप कैंसर से रहित हैं, वो इस वजह से हैं कि आपका इम्यून सिस्टम पहचान चुका कि कैंसर के सेल्स क्या थे जो उसने पहली मर्तबा मिस किया था। तो इस लिहाज से अगर हम पेशेंट्स को डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो अगर बिल्कुल सिमिलर कैंसर किसी को हुआ, यानी छाती रोग की दो औरतें हैं, एक को कैंसर हुआ बिल्कुल सिमिलर स्टेज पे पता चला, सेम ट्रीटमेंट हुआ लेकिन उनका आउटकम बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। एक लेडी साल भर में जीवित रहती है, साल भर में डेथ हो जाती है, और दूसरी 20 साल तक ठीक रहती है। ये सिर्फ इस वजह से है कि जिस लेडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वो ठीक हो गई हमेशा के लिए। और जिस लेडी का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, उसे म्यूटेशंस ने फिर प्रॉब्लम करी और वो म्यूटेशंस रिकर करने लगे। म्यूटेशन से मुराद होती है नॉर्मल सेल से एबनॉर्मल सेल का बनना, तो वो कैंसर के सेल्स बन जाते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये हम सब डॉक्टर्स को ये बात पता है मुख्य रूप से कि इम्यून सिस्टम ऐसा है। इसीलिए हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट जब ट्रीटमेंट हमें करते हैं
तो बुलाते हैं और पूछते हैं 6 महीने बाद आना भाई, फिर जांच करेंगे, साल भर बाद आना फिर जांच करेंगे, हमने तुम्हें ठीक तो कर दिया है लेकिन ये पता नहीं दोबारा लौट के आएगा कैंसर के नहीं आएगा। तो ये जो गैप है, ये गैप जो है कि जब हमने कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन कर दिया, उसके बाद हमारे कैंसर लौट कर नहीं आए, तो हम क्या ऐसा कर सकते कि इम्यून सिस्टम अपना डेवलप कर ले आर्टिफिशियली? इस पे हमारा शोध रहा, मेरा और मेरी पत्नी ने ये काम किया। मैंने अलीगढ़ में पढ़ाई करी, उसके बाद मैं US चला गया, मैं टीचिंग में आया, टीचिंग में मैंने ज्वाइन किया अलीगढ़ को माइक्रोबायोलॉजी में, फिर मैंने क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी सीखी, फिर उसके बाद US में मैंने ट्रेनिंग हासिल करी, फिर लौट कर मैं वापस आ गया। एक बड़े का किस्सा आपको सुनाता हूँ, जब मैंने MD एंडरसन में अपना लेक्चर दिया था, कुछ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करके इंडिया से गया था, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थी एंड्रयू नॉर्थ करके, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में काम करती थी, तो वो मुझसे बोली तुम इंडिया नहीं जाओगे वापस, तुम्हें यहाँ रहना है, और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 2 बच्चे हैं। बोली तुम उनको बुला लो, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी, यहाँ रहो, MD एंडरसन में काम करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो वापस जाऊँगा, मुझे तो भारत में काम करना है। तो बोली भारत में क्यों काम करना है? मैंने कहा मैडम यहाँ समोसों में मज़ा नहीं आता, बड़े कम नमक मिर्च के समोसे होते हैं, मुझे तो वापस ही जाना है, मैं तो अपने घर में जाके खुश हूँ। तो वो हैरत करने लगी कि ऐसा मैंने पहली बार किसी को देखा है कि इतना बड़ा ऑफर मैं तुम्हें दे रही हूँ कि तुम US में रुको और तुम कहते हो मैं हिंदुस्तान जाऊँगा। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे तो बस ये, मेरे ख्याल से सेशन भी मेरा साइंटिफिक सेशन में भी बस बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी इन माई प्लेस। तो देन ये एक इंसिडेंट था। तो मैंने जो काम किया वो अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ, फिर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मुझसे कहा कि आप जो काम करते हैं इसमें सेल्स हम निकाल रहे हैं तो यील्ड कम है, यील्ड कैसे बढ़ेगी आप निकाल के बताओ। तो मैंने वहाँ जाकर फिर उनको कैंसर सेल्स का सेपरेशन सिखाया, लेकिन मैंने खीर बनाने की विधि नहीं सिखाई, वो अपने साथ रखी, क्योंकि वो भारत की है, भारत में रहेगी, भारत ही चमकेगा और चमक रहा है, यहीं लोग आएंगे, यहीं इलाज कराएंगे, अगर हमें करना है तो यहीं हमें करना है। तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देते हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डेंड्राइटिक सेल्स का जो शब्द था ये स्टीनमैन ने कॉइन किया था, स्टीनमैन को खुद भी कैंसर हुआ और उन्होंने अपनी विधि से अपना इलाज भी किया, लेकिन उनको परमिशंस लेने में USFDA से 3 साल लग गए और वो 3 साल में काफ़ी बीमार हो गए, तब USFDA ने उन्हें अलाउ किया कि हाँ तुमने जो रिसर्च की है उस पर तुम अपना काम कर सकते हो। फिर उन्होंने अपना इलाज किया, 3-4 साल और जीवित रहे, और जिस रात उनका डेथ हुई उसी रात में स्टॉकहोम में उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। पॉस्थोमस मरने के बाद, मरण उपरांत नोबेल प्राइज़ किसी को नहीं मिलता, लेकिन चूँकि टाइम गैप था इसलिए वो नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला, उनको पता नहीं चल पाया कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। पीछे वाली स्लाइड देखेंगे, ये डेंडेटिक सेल का नाम जो उन्होंने कॉइन किया, बेसिकली क्या है, ये फेगोसाइट्स हैं या मैक्रोफाजेस हैं। अगर हम कहें, आपको याद होगा जब हम ब्लड में देखते थे मोनोसाइट्स, मैक्रोफाज सिस्टम हम पढ़ा करते थे मेडिकल फील्ड में, मोनोसाइट से मैक्रोफाज बनता है। तो मैक्रोफाज जो प्रॉपर एक उसका जो शक्ल होती है उसमें ऐसे लंबे लंबे डंडे से होते हैं जो सरफेस एरिया उसका बढ़ा देते हैं, तो उसे हम डेंड्राइट सेल बोलते हैं, डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। अगला स्लाइड, तो मैंने बताया कि ये फेगोसाइट है और ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होता है। बेसिकली ये अपने अंदर जो चीज़ इकट्ठी करता है उस को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करता है, और उसे हम ये बोलते हैं कि वो ये सक्षम हो गया कि वो एंटीजन पहचान सकता है। अगर ये डेंड्राइटिक सेल शरीर में कैंसर के अगेंस्ट बनने लगते हैं तो कैंसर वापस लौटकर नहीं आता। तो बेसिक प्रोसेसेस ये होते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको, ये क्लासिफिकेशन है डेंड्राइटिक सेल्स का, आगे बढ़ते हैं। और ये डेंड्राइटिक सेल कैसे बनता है इस डायग्राम में थोड़ा समझाया गया है, अगर आप चाहें तो 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ कि ट्यूमर के जो कैंसर के सेल्स होते हैं, ट्यूमर के जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो जो उसके ऊपर का सरफेस पहचान नहीं जाता शरीर, इम्यून सिस्टम, जब वो सेल टूटता है तो उसके अंदर के सरफेसेस होते हैं जिन्हें हम इंटरनल एपिटोप्स बोलते हैं मेडिकल फील्ड में, वो एक्सपोज होते हैं इम्यून सिस्टम से।
और इंटरनल एपिटोप्स प्रेजेंट करते हैं अब फिर से मोनोसाइट्स पे, और मोनोसाइट नाउ हैज अ पावर टू रिकॉग्नाइज द कैंसर सेल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जब पेशेंट कीमोथेरेपी लेता होता है या जब सर्जरी उसकी होती है। अगर ये प्रोसेसेस इंटैक्ट होने लगे ऐसे, तो पेशेंट का कैंसर जो है वो फिर लौट कर नहीं आता। ये काम अगर शरीर करता है हमें पता नहीं होता, ऐसा कोई टेस्ट लेबोरेटरी का नहीं है जिससे हम ब्लड निकाल के ये पता कर सकें कि ये डेंड्रिटिक सेल बनना शुरू हो गए कि नहीं हो गए। क्योंकि डेंड्रिटिक सेल्स का प्रोसेस रोज डेली होता रहता है, वो फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, शक्ल में एक से होते हैं, तो हम उनको लेबोरेटरी में ये पता ब्लड लेकर नहीं कर सकते कि कैंसर के अगेंस्ट डेंड्रिटिक सेल बने के ना बने। ये प्रोसेस अगर हम लैब में कर देते हैं, अगर हमने ये प्रोसेस लैब में कर दिया, तो ये हमारा जो मिसिंग लिंक था वो कंप्लीट हो जाता है। हमने ये काम किया है कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनके डेंड्रिटिक सेल हम अपनी लेबोरेटरी में हम डेवलप करते हैं उनके ब्लड से, और वापस उनको शरीर में देते हैं, 3-6 साइकिल देते हैं हर 15-15 दिन के इंटरवल पे, हर बार 1 मिलियन डेंड्रिटिक सेल डालते हैं। ये पेनलेस थेरेपी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, चूँकि शरीर से जो रक्त लिया है वो मरीज का लिया है, और जब हमने उसको वापस दिया तो सिर्फ उस रक्त की शक्ल में नहीं दिया, बल्कि हमने खाली उसके मोनोसाइट्स निकाले, कल्चर लेबोरेटरी में किया, और मोनोसाइट्स को डेंड्रिटिक सेल बनाया उसी के कैंसर के अगेंस्ट, जिस एंटीजन से वो डेवलप बीमारी थी उसको, उसी एंटीजन के प्रोटोकॉल को यूज़ किया। और ये बेसिकली डिज़ायर्ड टी सेल बेस्ड इम्यूनोलॉजी अगेंस्ट कैंसर रेस करना शुरू कर देता है। तो ये एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग लैब में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि कैसे कैंसर के सेल्स बनते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक नॉर्मल सेल है फिर डेवलप हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे नॉर्मल सेल्स बनते हैं हमारे शरीर में। अगर आपने देखा होगा कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं किसी को देते हैं, तो तकरीबन जो 300-400 ml ब्लड आपका लिया जाता है, 350 ml लिया जाता है, वो कुछ हफ्तों में कुछ महीने में पूरा हो जाता है, और हम इसका मतलब ये है कि हमारी बोन मैरो ब्लड फिर से बना देती है। और हमारे शरीर में आपने देखा होगा जाड़ों में हमारी त्वचा हटती है, स्किन हटती है, वो भी नई आ जाती है। पहले माना जाता था कि न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते हैं ब्रेन में, अब डॉक्टर साहब को पता है, हमारे साथ सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, अब ये माना जाता है न्यूरॉन भी रीजनरेट होने की कैपेसिटी रखते हैं, 1-2 साल में वो भी कैपेसिटी अपनी कर लेते हैं। इसलिए जिन लोगों को ऐसी बीमारियाँ होती हैं, लकवा हुआ या कोई परेशानी आई, और जब आपने उनका ट्रीटमेंट किया प्रॉपरली, तो ब्रेन फंक्शनल फिर से होने लगता है, एकदम डिसफंक्शनल ब्रेन हो जाता है और फिर फंक्शनल होने लगता है। तो सॉफ्टवेयर भी डेवलप होता है ब्रेन में और हार्डवेयर भी डेवलप होता है इसी तरीके से। तो जब ये सेल्स हमारे बनते हैं शरीर में, तो कुछ एबनॉर्मल सेल बनते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये म्यूटेशनल सेल बना, ये म्यूटेशनल सेल जो है, आगे बढ़ेंगे, एक्नॉलेज होना चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब शरीर उसको ये पहचान ले कि ये एबनॉर्मल सेल बन गया है, और शरीर पहचानता है, शरीर क्षमता रखता है पहचानने की। और ये सेल के साथ क्या होता है कि जब ये अपने डॉटर सेल बनाएगा, तो ये जब 5वीं डिवीज़न तक पहुँचेगा, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नेचुरली ये ख़त्म हो जाएगा शरीर से, बग़ैर इम्यून सिस्टम के रिकग्निशन के। अब अगर ये इम्यून, यहाँ रुकेंगे, पीछे आगे बढ़ेंगे, यहाँ अगर ये बढ़ता रहा, तो जो मैंने आपसे कहा कि मोनोसाइट्स अब अपना रोल प्ले करना शुरू करेंगे। मोनोसाइट्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, जो हम अक्सर आप रिपोर्ट में देखते हैं कि हमने डॉक्टर की पैथोलॉजी रिपोर्ट कराई तो उसमें TLC हुआ 6000 है, DLC हुआ उसमें लिखा होता है, मोनोसाइट्स हैं। तो मोनोसाइट्स बेसिकली कम मात्रा में होते हैं, ये शरीर में टहलते रहते हैं, और ये क्षमता रखते हैं कि म्यूटेशनल सेल जो कैंसर का सेल बना है उसको रिकग्नाइज करके उसे एंगल्फ कर लें। एंगल्फ करने का मतलब उसे खा जाएं, उसको ख़त्म कर दें, और उसके रिकग्निशन करें अब इस वक्त कि कौन सी ऐसी प्रोटीन एबनॉर्मल है जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। और ये एक डेंड्रिटिक सेल अब ये बनता है। ये डेंड्रिटिक सेल क्या है, जैसे कि आपने समझिए एक SP को या इंस्पेक्टर को या सीनियर DIG को आपने दे दिया कि ये बने,
हमारे शरीर में भगवान ने इतना खूबसूरत सिस्टम रखा है इम्यूनिटी का कि बयान से बाहर है। अगर 3D पिक्चर्स उसकी बनती हैं, आप देखेंगे YouTube पे अवेलेबल हैं, हमारे वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं। वो ऐसा है कि अब सोल्जर्स जब टी सेल्स होंगे, जो शरीर में सोल्जर्स हैं, वो जैसे इसके पास से गुजरते हैं, डेंडेटिक सेल के पास से गुजरते हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब वो अब कैंसर को पहचानने की क्षमता रखते हैं और कैंसर को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे शरीर में डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है कैंसर से, डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है कैंसर की। वो लेयर्स यहाँ यूज होती हैं। अगर ये सब नहीं हुआ तो कैंसर होता है, कैंसर इसके बाद होता है अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब ये है कि हमारा शरीर ने इम्यून सिस्टम में डिफंक्ट हुआ उस लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे डिफंक्ट हुआ, लेकिन उसने एक रूप धारण कर लिया, भयानक रूप धारण कर लिया। अब क्या होता है, चूंकि आप कहते हैं कि सब कैंसर में परेशानी, विपदा क्या है कैंसर की, कि देर से पता चलता है। देर से यूं पता चलता है कि जब वो शरीर पे कोई प्रभाव करता है, कहीं दबा दे किसी जगह को, किसी नस को दबाए दर्द होने लगे, या ब्रेस्ट में है तो छाती में गांठ बन जाए, या पेट में है तो आंत के अंदर दबाई दबाव करे, आंत के रास्ते को रोक दे, तब पता चलता है। इसलिए कैंसर में परेशानी ये है कि अर्ली स्टेज में पता इसलिए नहीं चल पाता है कि वो जब तक तकलीफ नहीं देने लगे तब तक पता नहीं चलता। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, मेरे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जो 3 घंटे जिम्नेजियम करते हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, रनिंग करते हैं, और 1 fine day मालूम हुआ कि उनको बीमारी मेटास्टेटिक स्टेज पे पता चली कि लीवर में भी सारा कैंसर है, पैंक्रियास में भी था, और मालूम हुआ कि जब स्टेज 4 में लैंड कर गया। ये दुनिया भर में होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि भारत में होता है। भारत में तकलीफ हमें तब होती है कि जब छाती रोग का कैंसर जो बहुत जल्दी पकड़ दिया जाना चाहिए, या लंग का कैंसर जो बहुत जल्दी पकड़ लिया जाना चाहिए, उसके लोगों को भी पता नहीं चलता, और वो संकोच के कारण, लेडीज़ में ख़ासतौर से औरतों में संकोच है, वो बताती नहीं है कि छाती में कोई गांठ है, वो कहती है निकल गई तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मालूम हो गया तब हम मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि अगर नहीं मालूम हुआ तब भी यही अंत होना है और तकलीफ दे अंत होना है। तो एक तो छाती का, दूसरा लंग कैंसर में खरल डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस का होता है। भारत में हम लंग कैंसर को अक्सर मिमिक करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है, और ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट यूजुअली 2-3 महीने तक पेशेंट ले चुका होता है। या जैसे कि न्यूरोलॉजी में ब्रेन का है, हेडेक हो रही है, हमने MRI नहीं कराया, सर में दर्द हो रहा है, भयानक सर में दर्द है, उल्टी आती है, हम डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं, हम उसको मतलब कोई बताने वाला ही नहीं है पेशेंट को कि हम MRI की सजेशन दे दें। MRI भी इसमें कंट्रास्ट MRI का रोल है, प्लेन MRI में नज़र नहीं आता है, तो वो एक अच्छी जांच है जो जल्दी हम पकड़ सकते हैं कैंसर को। तो ये सब चीज़ें कॉमन पब्लिक को, हमें डॉक्टर्स को, सबको पता होना चाहिए। लंग कैंसर में भी अब इस स्टेज पे ऐसी सर्जरीज होती हैं, अगर प्राइमरी नोड्यूल लंग के अंदर है तो उसको निकाला जा सकता है, और प्राइमरी नोड्यूल निकालने के बाद पेशेंट अगर इम्यूनोथेरेपी लेते हैं या कीमोथेरेपी का कम्बिनेशन करते हैं, तो पेशेंट्स कैंसर के, लंग कैंसर में जो पहले साल भर में डेथ होती थी, आज 5 years+ पेशेंट भी जीवित हैं, ऐसे पेशेंट्स भी हैं। GBM में मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था, ब्रेन कैंसर में हमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे पेशेंट्स हैं, 120 पेशेंट्स का हमारे पास स्टेटस है, 40 पेशेंट कम्प्लीटली डिजीज़ फ्री हैं, और वो स्टेज से डिजीज़ फ्री हैं जब वो लाचार मजबूर थे। तो ये सब चीज़ें नई नई आ रही हैं, इनको हमें ऐसे इस्तेमाल करना है, कब करना है, सही समय पे सही चीज़ से हमें पता कर सकते हैं। ये रिप्लेसमेंट नहीं, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी कन्वेंशनल थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कीमोथेरेपी को ख़त्म नहीं करेगा। कीमोथेरेपी का अपना रोल है, इम्यूनोथेरेपी का अपना रोल है, सर्जरी का अपना रोल है, सिकाई का अपना रोल है। तो ये एक एडिशनल प्रोटोकॉल है जो हमें ये गारंटी देता है कि कॉमा लगाया हमने इंग्लिश के सेंटेंस में तो फुल स्टॉप इम्यूनोथेरेपी लगा सकती है। फुल स्टॉप लगाने का जो काम करती है वो नेचुरल इम्यूनोथेरेपी है, या तो हम भरोसा करें कि भाई हम देखेंगे बाद में कैंसर बढ़ेगा तो तब करेंगे, या हम एक इंश्योरेंस की तरह इसको ले लें और इससे हम अपने आप को, जीवन को सुरक्षित कर लें।
नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने एक कॉइन किया था राम, ये प्रोडक्ट की तरह नहीं बिकता, ये कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये मरीज के रक्त से बना के उसको लगाते हैं, एक प्रोसेस है। ये प्रोडक्ट की श्रृंखला में, प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, ये मार्केट में अवेलेबल कभी नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि मरीज के रक्त से बनाते हैं और उसी को वापस देते हैं, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है। कि ये नई मॉडलिटी है, कीमो सर्जरी रेडिएशन को रिप्लेस नहीं कर रहा है। इस हमें इसको समझना है कि ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल रहेगा। ऑन्कोलॉजिस्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं डेंड्राइटिक सेल थेरेपी से, रेडियोलॉजिस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं, सर्जन्स डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। जो सर्जन अपने एक घंटे में सर्जरी करके काम करता है, वो कीमोथेरेपी 3 महीने में करती है। अगर हमारा ट्यूमर ऐसा है जो सर्जन कहता है मैं ऑपरेट करूँगा, तो पहला काम हमारा ये है कि सर्जरी हम कराएं। सर्जरी कराने के बाद में फिर जाँचें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेट सीटी स्कैन है, उससे हम ये पता कर सकते हैं शरीर में कैंसर अब नहीं है। अगर शरीर में कैंसर उस समय नहीं है, तो इम्यूनोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उस वक्त। डेंड्राइटिक सेल थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे पास कई सौ ब्रेस्ट कैंसर की लेडीज़ हैं, कई सौ, 18 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए ऑन्कोलॉजी में, जिन्होंने सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी 3 साइकिल खारी ली और इम्यूनोथेरेपी पर आ गए, और फिर कैंसर वापस लौट कर नहीं आया। तो आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमारा इतना विशाल देश है, मैं कितना भी बोलूँ, कितना भी प्रचार करूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये सक्सेसफुल थेरेपी पूरे जगह तक नहीं पहुँच सकती, ये मैं मानता हूँ। हमें इसको प्रमोट करने के लिए अपने यंग डॉक्टर्स को सिखाना होगा इस आर्ट को, और इसको तब जाके ये नेशनल लेवल पर जाएगी। डॉक्टर फसाहत साहब ने एक बात और करी थी पैसों के मुतालिक। डेंड्रिटिक सेल थेरेपी अप्रूव्ड है US में प्रोस्टेट कैंसर में, और उसकी कॉस्ट है $95,000, जो तकरीबन 60 लाख रुपए के करीब होती है, जो हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों के बाहर है। हम लोग इस थेरेपी को 4.5 लाख रुपए में देते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमने बहुत हद तक इसको बहुत सस्ता किया है। और बिल्कुल मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ऐसे बनाया है इसको कि जिस आदमी ने साइकिल का पहिया बेचा, उसे पता नहीं कि मैं चेन कहीं और से ख़रीद रहा हूँ, पैडल कहीं और से ख़रीद रहा हूँ, ताने कहीं और से, गद्दी कहीं और से ख़रीद रहा हूँ। तो मैंने डिफरेंट वेंडर्स वर्ल्ड के ढूंढे, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ ख़रीदते हैं, एंड दे डोंट नो ईच अदर के हम ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हम काय में यूज़ कर रहे हैं, एंड देन वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर डेंड्रिटिक सेल थेरेपी एट सच अ लो कॉस्ट। आप ये भी समझ के चलिए कि ये थेरेपी जो है, अगर मैं 37 डिग्री टेम्परेचर पे सेल कल्चर करता हूँ, तो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है बॉडी का टेम्परेचर। 8 दिन तक सेल कल्चर करना और उन्हें मॉड्यूलेट करना सेल्स को, ये अपने आप में एक बहुत अनोखा काम है, क्योंकि हम वो सेल्स वापस शरीर में डालते हैं। जब हम वापस शरीर में डालते हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं करें, ज़िंदा रहें और अपना काम कर सकें। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और हमारे डिवोटेड जो लड़के लेबोरेटरीज़ में काम करते हैं, उनको भी एक अच्छा जीवन स्तर चाहिए। उनको भी एक ऐसा, वो डॉक्टर, वो टेक्नीशियन नहीं है जो हम लेबोरेटरी में खाली जांच के लिए रखते हैं उन टेक्नीशियंस को, वो आपका इलाज बना रहे हैं। उनको बहुत अच्छा जीवन स्तर देंगे तभी वो डिवोट करके आपके लिए ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, टचवुड, हमने कभी पेशेंट को डेंड्राइटिक सेल थेरेपी दी तो ICU में एडमिट नहीं करना पड़ा 18 साल में। कभी पेशेंट को सेप्टिसीमिया नहीं हुआ। डॉक्टर्स जानते हैं सेप्टिसीमिया क्या होता है, आपने डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्शन लगा रहे हैं उस सेल्स का जो बाहर आपने बनाए हैं लैब में। वो अगर इन्फेक्शन थोड़ा भी उस मात्रा में चला जाएगा तो सेप्टिसीमिया उसको, यानी ब्लड में हमने इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये कर्म है ऊपर वाले का हम सब पे। हमारे आज 80 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, सारी सिस्टीज में ब्रांचेस भारत में हैं, और काम काफ़ी है। मैं चाहता था कि रामपुर में भी काम हो, लेकिन रामपुर में जब तक आप डॉक्टर्स मरीज को समझाएंगे नहीं कि ये क्या थेरेपी होती है, हमारे मरीज़ की समझ में नहीं आएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। सर्जरी तो सुनी थी, कीमो तो सुनी थी, ये नई चीज़ क्या है। तो एक ही मकसद ज़िंदगी में होना चाहिए,
मैं आपको एक बात और बताता चलूं, हम हर महीने काम करते हैं और हर महीने जीवन अपना चलाते हैं, हमारे पास कोई सरमाया डेवलप नहीं होता। शायद यही वजह है कि मोदी जी ने मुझे पहचाना और मुझे अपना समय दिया और अपने घर पे बुलाया और 15-20 मिनट तक मुझसे बात करी। शायद मैं बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मेरे जो PRO हैं यहाँ पर हैं सुभाष जी, मुझसे कह रहे थे कि सुभाष जी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत MPs को दिल्ली के जानता हूँ, मंत्रियों को जानता हूँ, प्रधानमंत्री जी घर पे किसी को नहीं बुलाते हैं, सारे पार्लियामेंट में बुलाते हैं, कोई घर पे नहीं मिलता उनसे। सुभाष जी हैं, सुभाष जी ने मुझसे कहा कि आप अकेले वाहिद आदमी हो जो प्रधानमंत्री के घर के अंदर जाके मीटिंग करके आए हो। और उन्होंने मुझसे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि यार तुम्हें बहुत देर हो गई, बाहर बैठा दिया मैंने, मुझे थोड़ा सा काम था। तो मैंने कहा साहब मैं शाम तक यहाँ बैठा रहूँगा आपके घर पर, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हंसने लगे, तो कहने लगे यार मैं रात में सोच रहा था कि सुबह को तुम बहुत कष्ट होगा, तुम्हें पार्लियामेंट में आओगे तुम तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने तुम्हारे दफ्तर में सुबह फ़ोन कराया कि घर पर आके मिलो। और इतनी इज्जत दी उन्होंने मुझे और इतना सम्मान दिया। तो ये वजह यही है कि अगर हम अपने, जैसे कहा है कि अगर हम अपने सही निर्णय में सही दृष्टि से काम करेंगे, स्वार्थ नहीं होगा जहाँ वहाँ काम बनेगा। स्वार्थ जो है वो हमारे प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, वो स्वार्थ खा जाता है उस प्रोफेशन को। स्वार्थ के बगैर काम करना है। हम आज 57 ईयर्स की एज है मेरी, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीवन रहेगा, लेकिन एक सुखी जीवन मैंने व्यतीत किया और ये विधि मेरे भारत में रहे, मेरे लोगों में रहे और ये लोग सीखें पनपें, इससे डेवलपमेंट भारत का होगा। इसी कामना और आशा के साथ मैं अपनी भाषण को ख़त्म करता हूँ और मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर रमन, हमारे दो डॉक्टर्स हैं, कुछ केसेस के बारे में आपसे ये डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे बेनिफिट्स लिए और कुछ वीडियोस शेयर करेंगे आपसे। तो डॉक्टर रमन पहले आ जाएंगे, फिर डॉक्टर रेड्डी आ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर रमन यादव है, मैं पिछले 3 साल से डॉक्टर जमाल सर के यहाँ पे कार्यरत हूँ। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैं पेन और पैलिएटिव केयर सेटिंग में काम कर रहा था गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। तो जो पहला केस है वो मिस्टर संजीव कुमार शर्मा है, ये 48 ईयर मेल थे, धनबाद के रहने वाले थे। गाल में मेरा गांठ हो गया था और दिन पर दिन बढ़ते गया और ऐसा हुआ कि मैंने आर पार हो गया। खाना वाना खाते थे बाहर आता था और पानी भी पीते थे तो बाहर आ जाता। वही डॉक्टर साहब को संपर्क करके यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद काफ़ी उनको राहत मिला, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रिकवरी हो चुका है। जख्म तो अब मान लीजिए गड्ढा भर गया है, खाना खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं और उसके बाद आज राहत है, आज एकदम कंप्लीट सो पाते हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चल रहे हैं, समझे, खाना वाना भी खा रहे हैं, आराम से डाइजेस्ट भी हो रहा है, कोई तरह का भी कोई प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं पड़ रहा भीतर से।